अवैध तरीके से भारत में घुसी सीमा हैदर पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म के लिए किरदार का सिलेक्शन भी हो चुका है। सीमा हैदर और सचिन को लेकर कराची टू नोएडा नाम से बनने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। शूटिंग की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। इस तस्वीर में सीमा हैदर का किरदार निभा रही कलाकार बॉर्डर पर बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने गुलाम हैदर को फिल्म की कहानी डिस्कस करने के लिए आमंत्रित किया है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म प्रोड्यूसर राइटर को भी सऊदी अरब भेज सकते हैं, जहां से गुलाम हैदर की करीबी से जानकारी जुटाई जा सकती है। वही फिल्म की शूटिंग के साथ ही विवाद भी शुरू हो चुका है। अब इस मामले में राज ठाकरे की पार्टी ने एंट्री ले ली है। प्रोड्यूसर अमित जानी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर आरोप लगाया कि फिल्म बनाने के लिए उन्हें धमकी दी गई है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। अमित जानी ने ऐलान किया कि वो मुंबई में ही फिल्म बनाएंगे और किसी से डरेंगे नहीं। अमित जानी का आरोप है कि फिल्म में यूपी और बिहार से कलाकारों का सिलेक्शन करने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी नाराज है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अभिषेक सोम ने पाकिस्तान जाने की हिदायत दी थी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने रबुपुरा में अपने घर पर तिरंगा लगाया। इस मौके पर उनके पति सचिन और वकील एपी सिंह भी मौजूद रहे। सीमा हैदर और सचिन मीणा अपनी छत पर तिरंगा फहराते हुए नजर आए। तिरंगा लहराते हुए सीमा हैदर ने संदेश देने की कोशिश की कि उसने भारत को अपना लिया है और यही उसका अपना देश है और इसी को वो अपना देश मान रही है। बिल्कुल लगाया है, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। वहीं फिल्म साइन करने के दावों पर सीमा हैदर ने विराम लगा दिया। सीमा ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की फिल्म को साइन नहीं किया है। फिल्म को लेकर किए जा रहे सभी दावे झूठे हैं। वहीं इस दौरान सीमा ने अपने माँ बनने को लेकर उड़ी अफवाह पर कयासबाजी का मौका दे दिया। दरअसल मीडिया से बातचीत में प्रेगनेंसी पर सीमा हैदर ने सीधी टिप्पणी करने से इनकार किया और उसे अपना निजी मामला बताते हुए इस पर और चर्चा न करने की बात कही। बात मैं नहीं करना चाहूंगी, है कि नहीं है ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती, अगर बोलूंगी तो नजर लग जाती है। पिछले कई दिनों से सीमा हैदर के माँ बनने की खबरें सुर्खियों में थी। सीमा हैदर और सचिन मीणा के वकील एपी सिंह ने भी इस दावे पर कई बातें घुमा दी और कयासों को बढ़ने दिया था, लेकिन अब सीमा ने अपने बयान से एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भवन ने इस बात की जानकारी दी है। मुर्मू का संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर आज शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किले से कर्तव्य पथ तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हुई है। हिमाचल के कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मंडी और शिमला में भारी बारिश हुई जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। हालात को देखते हुए हिमाचल में आज स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिमाचल में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।